अस्सलामुअलैकुम खूबसूरत लोगों, क्या हाल है आपका? लड़कियों, आप थी बहुत परेशान, आपके जिल का मसले थे। कौन से मसले थे? हमारा एक रंग नहीं चिट्टा होता था, वो रंग क्या ना चिट्टा होना यार। मेरे बेटा, ये पिल्ली सा बेटा, ये चूचू सा बेटा, इसने मुझे बहुत तंग किया। इसने कहा तू वीडियो ऐसे नहीं बनाएगा क्योंकि तुझे रंग खूबसूरत करता है लड़कियों की, वो लड़कों की, लेकिन मेरे साथ वीडियो नहीं बनाता। ये चूचा सा, ये मेरा चूचा सा बेटा, ये कह रहा है कि मैं तुझे ऐसे वीडियो नहीं बनाने दूंगा। अच्छा, आज मेरा मकसद था आपकी खूबसूरती के लिए आना। क्यों आना? क्योंकि लड़कियां और लड़के बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे मौसम चेंज हो रहा है और एली जिल बीमारी जो उसका बुरा हाल हो जाता है। क्यों? एक तो हम एली जिल खुश्क जिल्द भी, उसका भी बुरा हाल हो जाता है। एली जिल्द पे दाने निकल आते हैं, दाने भी निकल आते हैं, और एली जिल्द के बुरे हाल ऐसे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे तो वो डस्ट भी जम जाती है। क्यों? वो ख्याल नहीं करते, वो बिल्कुल ख्याल। एली जिल्द वाले तो कहते हैं बाहर रहने दे, दाने भी, किल भी, हर चीज़ भी। ऐसे नहीं होता। अगर आप थोड़ा सा अपना ख्याल करेंगे, आपका रंग भी गोरा चिट्टा हो जाएगा और आप खूबसूरत और हसीन भी हो जाएंगे। एली जिल्द वाले क्या करें, एली जिल्द वाले क्रीम, अगर उन्होंने वाइटनिंग क्रीम यूज़ करनी है ना, तो वाइटनिंग क्रीम यूज़ करने से पहले अगर उन्होंने रात को वाइटनिंग क्रीम, हमेशा रात को लगती है वाइटनिंग क्रीम, अगर 2 घंटे पहले अगर वो अपनी जिल्द पे मुल्तानी मिट्टी लगा के अपनी जिल्द को ऐसे खुश कर दे और मैल कुचैल भी उतार लें, और आप कहेंगे वो कैसे उतरेगी, वो ऐसे उतरेगी कब आप मुल्तानी मिट्टी लगाएंगे ना, तो वो आधा घंटा आपके चेहरे के ऊपर रहेगी। वो आपके चेहरे की जितनी भी गर्मी होगी, ऐल होगा, जो भी आपके ना बुरा हाल होगा ना एक्ने दानों के लिए, वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपकी मैल भी उस मुल्तानी मिट्टी के साथ कब आप वाश करेंगे वो सारी उतर जाएगी। ठीक है, तब उतरने के बाद आपने यूज़ करना है डर्मोक्लीन। ये डर्मोक्लीन बहुत ज़बरदस्त क्रीम है, ये हुसन की खूबसूरती का, ये डर्मोक्लीन आपका हुसन और खूबसूरती ऐसे खूबसूरत आपको बना देगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे यार, एक डर्मोक्लीन। अच्छा, एक बात बताऊँ, ये डर्मोक्लीन आम क्रीमों की तरह नहीं है, लेकिन आप देखना कितनी कंपनियां वो सिर्फ क्रीमें बनाती हैं, ये बैड कंपनियां, इन्होंने मुकम्मल फेशियल चेहरे के लिए मुकम्मल ट्रीटमेंट बनाया हुआ है। इन्होंने डर्मोक्लीन वालों ने मुकम्मल फेशियल बनाए हुए हैं। ये देखें ना, ये आपको मैं फेशियल की वीडियो नहीं बता रहा, सिर्फ वाइटनिंग क्रीम की बता रहा हूँ। ये डर्मोक्लीन की मुकम्मल आपको फेशियल भी मिल जाएगा, ये वाइटनिंग क्रीम है। ठीक है, ये आप, ये क्रीम कहती है कि आपके फुल टाइम विटामिन भी आपके मुकम्मल हो जाएंगे, आपके चेहरे के जितने भी आपके विटामिन कम थे ना, वो भी आपके चेहरे के मुकम्मल हो जाएंगे, और आपकी जितनी भी छाइयाँ हैं, और आपका रंग काला है, और आपकी एली जिल्द है, अगर एक्ने वाली जिल्द है, और मज़े की बात है ये छुरियों पे भी काम करती है। ये इतना प्यारा रिजल्ट है ना इसका, इसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, और मज़े की बात ये है, क्या कह रहा बच्चा, ये इन्होंने एक खूबसूरत सी मॉडल की पिक्चर बनाई हुई है। ठीक है, तरीका इस्तेमाल इस पे लिखा हुआ है, अगर तरीका इस्तेमाल मैं बता दूं तो फिर भी बेहतर है, अगर आप मेरी नया भी सुनना चाहें तो तरीका इस्तेमाल इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये मुकम्मल तरीका इस्तेमाल वाइटनिंग क्रीम, ये आपको मिलती है कितने ग्राम की, ये आपको मिल जाएगी, अच्छा इसमें ग्राम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, अच्छा ये आपको ग्राम में लिखा हुआ, ये डर्मोक्लीन की ब्यूटी क्रीम। ठीक है, ये ब्यूटी क्रीम है, ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसका एक लोग कहते हैं यार हम क्रीमें लगाते हैं, ठीक है, कब हम क्रीम छोड़ देते हैं ना, तो हमारी जहाँ जहाँ क्रीम लगती है ना, वहाँ वहाँ छाई बन जाती है, वो छाई बहुत ब्लैक हो जाती है। ठीक है, कब वो ब्लैक होती है ना, तो वो उतनी जगह हमारी बहुत बुरी लगने लग जाती है, जो वाइट होती है ना क्रीमों के दावों की वजह से ना, वो वाइट होती है, वाइट फिर हमारी बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये क्रीम ऐसी नहीं है, ये क्रीम वाइटनिंग क्रीम है। ठीक है, ये आप कब लगाओगे ना, तो आपने क्या करना है, एक तो इसे ऐसे खोलनी है, खोलने का तरीका तो आपको पता होगा। ठीक है, ये हमने खोल ली, एक सील पैक क्रीम थी हमारे पास, ये वाइटनिंग क्रीम। ठीक है, ये देखें, ये फुल वाइट तो नहीं होगी, हल्की वाइट क्रीम है। ठीक है, ये वाइट क्रीम आपने ऐसे निकालनी है, ये मैं दिन को लगा रहा हूँ, आपने रात को लगानी है। ठीक है, ये आपने ऐसे लगानी है,
क्या ऐसे ये समझ के नहीं लगा लो ना कि यार ये आज ही मैं इसको सारी लगा लो, ना 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 ना, आज अगर आप सारी लगाओगे ना तो आपका नुकसान तो है ही है ना। तो एक प्रेम का नुकसान, एक आपकी जिल्द का तो नुकसान है ही नहीं, वो तो आपको चिट्टा गोरा एक मिनट में कर देगी क्योंकि आपने सारी क्रीम लगा ली। ऐसे कोई क्रीम वाइटनिंग नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। ये आपने लगा ली, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये ऐसे हल्की हल्की आपने लैप कर लेनी, ठीक है। ये आपको ऐसा नज़र आए कि मुझे क्रीम ऊपर मेरी लगी हुई है, ठीक है, ये नज़र ना ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है, ये आपने हल्की हल्की ऐसे क्रीम लगा लेनी है, ठीक है। ये देखा, ये क्रीम को बिल्कुल हल्का सा हाथ लगाना है, कुछ सख्त हाथ आपने नहीं लगाना, बिल्कुल नरम। अच्छा एक बात और बताऊँ, हमेशा कब भी क्रीम लगाए ना, कोशिश करना एक तो अपनी जिल्द अपनी अपने आप खुश्क हो, एक पसीना ना आता हो, ठीक है। अगर आपको पसीना आया होगा ना तो आपकी क्रीम लगेगी लेकिन वो पानी के साथ फैल जाएगी। कब वो फैलेगी, फिर आपका रिजल्ट उस तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए वाइटनिंग क्रीम से तो आपने जैसे मैंने लगाई, ये देखो नज़र भी नहीं आ रही लेकिन लग भी गई, ठीक है। ये हल्की सी ऐसे लैप करनी है आपने, ऐसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। तो कब आप ऐसे हल्की हल्की लैप करेंगे, एक तो आपकी क्रीम बच जाया करेगी, ठीक है। ये अगर एक हफ्ते की या एक 15 दिन की होगी या एक महीने पे चली जाएगी, कब एक महीने में चलेगी तो आपके पैसे भी बचेंगे इस महंगाई में और आपका रंग भी ऐसा ऐसा ज़्यादा सफ़ेद होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रंग भी खूबसूरत वैसे बरकरार रहे तो फिर आपने क्या करना है, एक दिन आपने क्रीम लगानी है और एक दिन आपने छोड़ देनी है। एक दिन अच्छा फेस वाश आप दूसरे दिन अच्छे फेस वाश के साथ यूज़ करें, रात को भी उसी वही फेस वाश आप यूज़ करके सो जाएं, लेकिन आपने वाइटनिंग क्रीम दूसरे दिन नहीं लगानी। आपने तीसरे दिन वाइटनिंग क्रीम, एक दिन आप छोड़नी है, एक तीसरे दिन आपने फिर वाइटनिंग क्रीम आपने यूज़ कर लेनी, ठीक है। कब वो वाइटनिंग क्रीम आप यूज़ करेंगे, एक तो उसके विटामिन भी सारे जज़ब हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो आपके चेहरे को लाल पीला नीला नहीं करेगा। क्योंकि सबसे बेहतर यही मसला होता है लड़कियों का और लड़कों का, वो कहते हैं यार हमने वाइटनिंग क्रीम तो लगा ली लेकिन हमारी जिल्द लाल हो गई, ठीक है। लेकिन मैं असल तरीका आपको अब बताने वाला हूँ कि आपने वाइटनिंग क्रीम कब ही लगानी है ना, एक दिन छोड़ के लगानी है, ठीक है। अगर चेहरे को रगड़ के नहीं लगानी, चेहरे को आराम से लगानी, और आपने वाटर बेस पे वाइटनिंग क्रीम लगाया करें। वाटर बेस ऐसे कि आप अच्छी तरह चेहरे को वॉश कर लिया करें, ठीक है। वॉश करके आप टिशू के साथ अपने चेहरे को ऐसे खुश कर लिया करें और चेहरे को रगड़े ना, क्यों कि वो जो अंदर का पानी है ना वो आप रगड़ेंगे ना तो वो जो इसके अंदर चेहरे के अंदर पानी होता है ना वो भी सार निकल आता है, ठीक है। आप टिशू के साथ ऐसे हल्का हल्का करेंगे ना, ठीक है, वाटर बेस जो ऊपर पसीने की नहीं उसके अंदर जो वाटर बेस होगी ना उससे आपकी कब क्रीम लगेगी ना तो आप कर रहे ऐसा खूबसूरत और हसीन चंद दिनों में हो जाएगा कि आप खुद परेशान हो गए। इतनी खूबसूरत और हसीन वही क्रीम जो हम दावा करते थे हमें लाल पीली नीली कर देता है, वही हमें वाइट 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 कर देगा, ठीक है। अगर आपने अकेला वाइट होना है ना तो फिर आप एक दिन छोड़ के लगाएं। अगर आपने सेब की तरह रंग लगाना है तो आप दो टाइम भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्रीम हमेशा एक दिन छोड़ के। अच्छा फिर कब एक दिन छोड़ के लगाओ, अब 10 से 15 दिन लगाओ, 10 15 दिन बाद एक 10 दिन के लिए फिर क्रीम छोड़ दिया करें, फिर आपने क्रीम दोबारा शुरू कर देनी है। ये डर्मोक्लीन, ये सारी बातें ये इसलिए कर रहा हूँ कि ये डर्मोक्लीन ड्यूरेशन ये मुकम्मल चेहरे की और मुकम्मल बॉडी की ये फेशियल का दावा रखती है और इनकी क्रीम का कोई नुकसान नहीं है। साइड इफेक्ट होता है ना वो क्रीम का साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये लोकल क्रीमें नहीं है जैसे लोग एक क्रीम बनाई और लगाई और पैसे कमाने शुरू, नहीं, इन्होंने चेहरे की मुकम्मल ट्रेनिंग मतलब है कि इन्होंने मुकम्मल सीखा हुआ है और इनका फेशियल जितना भी है वो भी मुकम्मल सीखा हुआ, इसलिए इन्होंने वाइटनिंग क्रीम बनाई। कहते हैं लोग चिट्टे गोरे हो जाएंगे तो वाइट वाइट हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझे इजाज़त दो, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।